महिला एवं बाल विकास मंत्री हरियाणा सरकार कमलेश ढांडा रविवार को सीएम सिटी करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अर्जुन गेट स्थित सेवा भारती के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में सेवा श्री आश्रम का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम से पहले गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रेम जी गोयल, गरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, मेयर रेणु बाला गुप्ता की उपस्थिति में भारत माता की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया गया। सभी अतिथियों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय कश्मीरी लाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सभी ने सेवा श्री आश्रम का अवलोकन किया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री हरियाणा सरकार कमलेश ढांडा ने कहा कि देश के गरीब, असहाय व जरूरतमंदों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सेवा भारती का अहम योगदान है। सेवा भारती के इस सेवाभागी योगदान से देश और समाज में उन्नति के नए मार्ग खुल रहे हैं। सेवा भारती जरूरतमंदों की सेवा करती है। सेवा भारती ने महिलाओं को शिक्षा, संस्कार व स्वावलंबी बनाने के लिए पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के तहत प्रदेश व देश के हर क्षेत्र में सेवा भारती द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल महिलाएं बल्कि जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को भी नई दिशा मिल रही है। सेवा भारती से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से सेवा भारती के भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। इस मौके पर गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने सेवा भारती राज्य स्तरीय कार्यालय व भारत माता की प्रतिमा के लोकार्पण पर सभी स्वयं सेवकों को बधाई दी और कहा कि यह भवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता परम पूज्य कश्मीरी लाल ताऊजी की याद में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सेवा भारती किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सेवा भारती द्वारा देश के अनेक प्रांतों व नगरों में जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण ने बताया कि सेवा भारती समाज के ऐसे वर्ग को उन्नत करने का काम कर रही है जो किसी न किसी अभाव में पीछे रह गए हैं। जब यह समाज शिक्षा व्यवसाय में आगे आएगा, समाज में चेतना बढ़ेगी और देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने आह्वान किया कि हर व्यक्ति को सेवा के प्रति हाथ बढ़ाना चाहिए। विधायक हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। उन्होंने स्पीकर की ओर से सेवा भारती आश्रम में 11 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने की घोषणा भी की। इस मौके पर सुशील गुप्ता ने बताया कि मात्र 11 महीने में यह आश्रम बनाया गया। इस आश्रम का क्षेत्र 26,000 वर्ग फुट है। अब वर्तमान में इस आश्रम में 8 बौद्धिक हॉल, 11 कमरे, 3 शौचालय, 1 भोजनालय, 1 लाइब्रेरी है। इसमें करीब 50 विद्यार्थियों के छात्रावास बनाया गया है और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक चिकित्सक हॉल, बहुउद्देशीय हॉल भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अभी कुछ निर्माण कार्य बाकी है जिसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम से आई प्रिया और मुस्कान ने देशभक्ति पर आधारित गीत प्रस्तुत किए। देखिए एक रिपोर्ट। तागो माता की, जगत की, भाग्य विधाता की आरती, भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की आरती, भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की आरती, भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की आरती, भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की भारत माता की जय। मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है। कश्मीर की घाटी से लेकर उत्तर पूर्व राज्यों में सेवा भारती बुनियादी मानवाधिकारों के लिए भी प्रयासरत है। भारत में कई राज्यों में पर्यावरण को बचाने के लिए इन लोगों को स्वच्छ पीने का पानी को उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य कर रहा है। समाज के उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपने परिवारों और समाज से उपेक्षित हैं, उनके लिए सेवा भारती आश्रय नामक का डे केयर सेंटर भी चलाया है। देश में आदिवासी बच्चों के लिए कई छात्रावास भी खोले गए हैं। कुल मिलाकर सेवा भारती अपने नाम के अनुरूप अपने कार्यों से समाज की सेवा कर रहा है।
अगर देश का समाज उन्नत है तो देश की उन्नति करेगा और यह सब सेवा भारती के प्रयासों का एक अद्भुत अनूठा उदाहरण है। अंत में मैं यहाँ पर आए हुए सभी माँ अनुभावों का पुनः धन्यवाद करती हूँ और सेवा भारती के द्वारा किए जा रहे सामाजिक सेवा कार्यों के लिए बधाई देती हूँ। आप और पूरे राष्ट्र ही नहीं सुदूर क्षेत्रों तक सेवा के जिस जिस प्रकार के प्रकल्पों की भावों की आवश्यकता होती है, सेवा भारती संकल्पित समर्पित भाव से एक तत्पर संगठन है और सेवा भारती की करनाल शाखा की ओर से यहाँ एक सुंदर सेवा श्री आश्रम का आज लोकार्पण हो रहा है और उसमें भी और आनंद का विषय ये कि आज यहाँ भारत माता की का मूर्ति प्रतिष्ठापन हुआ है और सुंदर भव्य स्वरूप में भारत माता की आरती हुई, क्योंकि राष्ट्र हमारा गौरव है, राष्ट्र हमारी आराधना है और ये सेवा भावना भी हमारी राष्ट्रीय परंपराओं की एक दिव्यता है जिसे सेवा भारती जन सामान्य तक ले जाने के लिए संकल्प। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।